सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाकिफ़ के साथ होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अली दाऊदी। हम मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर अभी तक हमने हाउस प्राइस की कैलकुलेशंस की बात की है कि कितने फीचर्स होंगे तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलीनोमियल की, यानी कोई एक फीचर जो स्क्वायर के अंदर आने लगे या स्क्वायर से ज़्यादा पावर टू पावर थ्री में आने। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के लिए हमने ये बात की कि हमारा जो हाइपोथेसिस है उस हाइपोथेसिस के अंदर थीटा नॉट प्लस थीटा वन टाइम्स ऑफ फुटेज फ्रंट का एरिया प्लस थीटा टू टाइम्स ऑफ डेप्थ पीछे की तरफ जो एरिया है वो कितना है। यानी हमने एक फीचर बनाया एरिया का जिसमें एक्स इज इक्वल टू फुटेज मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, और इस तरीके से हमारे ये हाइपोथेसिस बना। अगर हम ये देखें कि हमने जो एक हाइपोथेसिस बनाया है उसके अंदर एच थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन टाइम्स ऑफ एक्स वन थीटा टू टाइम्स ऑफ एक्स टू थीटा थ्री टाइम्स ऑफ एक्स थ्री, बट एक्स वन इज सिंपल साइज ऑफ द हाउस, एक्स स्क्वायर इज साइज का स्क्वायर, एक्स क्यूब इज साइज का क्यूब, मीन्स एक्स वन किसके बराबर है साइज के, एक्स टू बराबर है साइज के स्क्वायर के, एक्स थ्री बराबर है साइज के क्यूब के। अगर हम एक हाइपोथेसिस को जीरो करते हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ पावर स्क्वायर रखी है, यानी थीटा नॉट प्लस थीटा वन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थीटा टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर इस तरीके का हमारा हाइपोथेसिस है और हमारे पास ये जो डेटा है जो कि रेड क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस डेटा पे हमें हाइपोथेसिस फिट करना है। लेट से हम ये वाला हाइपोथेसिस अगर फिट करें तो इसका पैटर्न जो बनेगा ना वो ये बनेगा, ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन, ऐसे लाइन कर्व लाइन बनेगी और वो लाइन आते आते डिक्लाइन होगी बिकॉज ऑफ दिस पावर टू। पॉलिनोमियल में अगर पावर टू है तो इसका मतलब ये एक तरीके से पैराबोलिक ग्राफ बनता है जो इंक्रीमेंट होगा उसके बाद डिक्रीज चला जाएगा। बट अगर हम इसका इसका जो हाइपोथेसिस है उसके अंदर एक्स क्यूब शामिल अगर कर देते हैं तो एक्स क्यूब शामिल करने के बाद उसका पैटर्न ये बनता है, ये जो पैटर्न ऊपर चला गया, यानी ये फिर ग्राइव फिर ये इंक्रीज करेगा। तो हमें अपने डेटा को देखते हुए बेस्ट मॉडल प्रिडिक्ट करना होता है। जैसे मैंने आपको पॉलीनोमियल पावर टू का बताया, ये इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, राइट, जो ये पावर टू है। मगर अगर पावर अंडर रूट आ जाए तो, यानी पावर हाफ हो जाए तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है, यानी ये इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज नहीं करेगा, एक स्टेशनरी पोजिशन पर आ जाएगा, तभी इसका सिंबल ये होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मल इक्वेशन की बात